22 जनवरी को रामलल्ला के भव्य मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन होने जा रहा है, जिसे लेकर पूरे देश में उत्साह है। वही उत्साह शाजापुर जिले के गुलाना के युवकों में भी देखने को मिला। क्षेत्र के कलाकार पत्थरों से भगवान राम की 28,000 स्क्वायर फीट में एक भव्य आकृति का निर्माण कर रहे हैं, जिसमें वो भगवान राम के शरीर पर जितने कलर होते हैं उतने कलरों का पत्थरों पर उपयोग करेंगे। इसमें स्कूली छात्र छात्राओं के साथ गांव के बच्चे और स्कूल का स्टाफ भी इनकी मदद करने में जुटा हुआ है। 17 जनवरी को ये मूर्ति बनकर तैयार हो जाएगी और एक महाआरती का आयोजन भी किया जाएगा, जिसमें बड़े लेवल पर प्रशासनिक अधिकारी और शासन के मंत्रियों को भी इसका निमंत्रण भेजा जा रहा है। मतलब अगर मैं अधूरा हूँ इन लोगों के बिना, अगर ये है तो मैं पूरा हूँ कुल मिलाकर इस कार्य में से। एक बताया गया है कि कण कण में राम, तो इसीलिए कण कण से आपने जो है ये मूर्ति बनाई है। जी सर। सर हमारा इरादा था कि हर एक पत्थर पे राम राम लिखे, पर इतना समय नहीं था, पर इसलिए हमने मान लिया कि हर पत्थर में राम है, इसलिए हमने जिस तरह समुद्र पर जो है राम के नाम से पत्थर तेरा था, तो वही सोच भी थी क्या? बस वही सोच थी सर, पर वो समय कम होने की वजह से हमने मान लिया सिर्फ कि इसमें राम है और हम बना रहे हैं। भगवान राम की 200 फीट लंबी और 140 फीट चौड़ी भाव विरोही करने वाली आकृति जो कि पत्थरों से निर्मित की जा रही है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये आकृति शाजापुर जिले के सबसे बड़े और सबसे पहले बनकर तैयार हुए शासकीय सीएम राइज स्कूल में बनाई जा रही है। इसमें कलाकार अलग अलग जगह से आकर अपनी कलाकारी का परिचय दे रहे हैं, जिसमें गुलाना के कुछ युवा बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। माना जा रहा है कि आकृति 28,000 स्क्वायर फीट में बनाई जा रही है, जिसे वो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी बुक कराएंगे, क्योंकि पत्थरों की आकृति की इतनी बड़ी मूर्ति अभी तक किसी ने भी नहीं बनाई है।